सादिया हरूर का हमारे पास कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम साहब, असेंबली डिसॉल्व होने से डीएचए की मार्केट पर क्या इफेक्ट होगा? देखें, अभी मैंने आपको इससे पहले ही मैं ये बात कर रहा था कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो ओवरऑल खाली प्रॉपर्टी के या खाली डीएचए पेशावर को फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल प्रॉपर्टी को फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर जो है ये डर जाता है पैसे लगाने से कि नई गवर्नमेंट आएगी वो पॉलिसीज क्या लेके आएगी। उस पॉलिसी की वजह से हर इन्वेस्टर सोच समझ के पैसा लगा रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हर चीज सेटल डाउन हो रही होती है तो दोबारा मार्केट चलने शुरू होती है, क्योंकि वाहिद एक प्रॉपर्टी ऐसा बिजनेस है जिसके साथ हमारी कई इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं। इसमें जब घर बनता है, घर के अंदर क्या क्या चीज लग रही है, वो इंडस्ट्रियां सारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 महीने 3 महीने के बाद मार्केट सेटल डाउन हो जाएगी। जैसे जैसे गवर्नमेंट सेटल होगी, इस तरह हमारी मार्केट जो है प्रॉपर्टी की ये सेटल होती जाएगी और प्राइस बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट मिनट हमारे पास साधुला क्या वो कहते हैं, आफ्टर डीप रीजन व्हिच सेक्टर विल बी डेवलप्ड, कंफर्म न्यूज? देखिये, इसके अंदर कंफर्म न्यूज तो कोई भी नहीं है। ये ऑन ग्राउंड जब मैं गया हूँ तो वहां पे मैंने इसकी डेवलपमेंट देखी, 9 प्रिज़्म, ये इसकी डीएचए प्रिज़्म ब्लॉक की, और यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट देखी है, फिर आगे एच ब्लॉक एफ ब्लॉक की थोड़ी डेवलपमेंट देखी कि डीएचए आगे उस साइड पे भी चलने शुरू हो गया जी ब्लॉक वाली साइड पे। तो मैं कंफर्म न्यूज नहीं कह सकता इसको, सिर्फ मैं आप एक असेसमेंट दे सकता हूँ कि प्रिज्म के बाद जी और एफ ब्लॉक की यहाँ पे इसका नक्शा आ सकता है और इसके ऊपर बड़ी जल्दी डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी डेवलपमेंट होगी जी और एफ पे, तो ये भी हो सकता है कि जल्दी प्रिज्म के फौरन बाद जो है इन दो ब्लॉक्स का नक्शा आ जाए। शाइस्ता अकरम में कहते हैं, क्या डीएचए के तमाम सेक्टर्स पे मस्जिद और मार्केट का साइज एक ही बनेगा या फिर इनमें साइज डिफरेंस होगा? अच्छा, यहाँ पे डीएचए ने अपने हर ब्लॉक में मस्जिद मिनीमार्ट पार्क जो है उसका साइज सेम रखा हुआ है, उसका डिजाइन चेंज है। ए ब्लॉक की मस्जिद का डिजाइन अलग है, बी ब्लॉक की मस्जिद का डिजाइन अलग है, सी ब्लॉक का अलग है, फिर प्रिज्म का अलग है, हर ब्लॉक की हर सेक्टर की मस्जिद जो है उसका डिजाइन अलग है, मिनीमार्ट का डिजाइन अलग है, पार्क के सबके डिजाइन अलग हैं, लेकिन साइज सबके सेम है। तो जैसे क्योंकि डीएचए ने बी ब्लॉक में सबसे पहले मस्जिद बनाई है, मिनी मार्ट बनाया, मिनी मार्ट में 2-3 शॉप्स भी ओपन करवाई हैं डीएचए ने कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो, कोई छोटे से डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप बनाए हैं, कुछ एक ये तंदूर वगैरह लगे हैं यहाँ पे कि जो लोग डीएचए में रह रहे हैं उनको रोजमर्रा की चीजें यहाँ पे मिलने शुरू हों और यहाँ पे काम लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़े, लोग आए यहाँ पे रहें और इसी तरह ये बाकी सारा डीएचए आबाद होता जाएगा। नेक्स्ट मिनट हमारे पास सिकबल क्या वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक में पहले किस ब्लॉक का कब्जा मिलेगा? देखें, ये कब्जे की बात तो बाद में होती है, सबसे पहले इसको डेवलप किया जाता है, जब तक इसका नक्शा नहीं आएगा उस टाइम तक इसके ऊपर आगे प्लानिंग नहीं होगी। उसके मेरा ख्याल है कि अगले 6 महीने के बाद या 8 माह के बाद बाकी ये जब इसका प्रिज्म को पोजेशन मिल जाएगा तो फिर बाकी अगले ब्लॉक्स का नक्शा भी आ जाएगा जी और एफ का। पहले नक्शा आएगा, फिर डेवलपमेंट होगी और फिर डीएचए आपके हैंडओवर करेगा। तो मेरा ख्याल है कि 1-2 साल अगले दो ब्लॉक्स में लग जाएंगे इसके पोजीशन आने में। आयान खान का हमारे पास कमेंट है, वो कहते हैं, व्हाट अबाउट डीएचए पेशावर कमर्शियल, व्हेन इट विल बी बैलेटेड, एनी आइडियाज? देखें, अभी इसमें भी बैलेट में, इसकी बैलेट में भी टाइम लगेगा। डीएचए इस टाइम जो है नासिर बाग रोड के कमर्शियल को देख रहा है, उसके बाद बारी आ जाएगी हमारे ये प्रिज्म में जो कमर्शियल काफी बड़ा कमर्शियल आ रहा है उसमें उसकी बारी भी आती है। फिर जो फाइल्स पहले बिकी हुई है कमर्शियल की, जो 2 करोड़ 50 लाख रुपए की बुकिंग पे डीएचए ने बुक किया था 4 मरला, उसकी बुकिंग भी है, तो डीएचए इसकी भी बैलेट जो है अगले एलोकेशन के साथ या उससे पहले इसकी कर सकता है।
कमर्शियल की बैलेट जो है। सो दैट्स इट व्यूअर्स, यहाँ तक जो है हमारे पास कमेंट्स जो करंटली आए थे उनके हमने जो है नाकवे से जवाब दे लिए है, और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनका जवाब लेना नहीं बनता, इन जो कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई नहीं दे सकते। सो दैट्स इट, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को जो है उसको भी आप लाजमी लाइक और फॉलो कर लें, उसके ऊपर भी डेली जो है अपडेट्स आती रहती हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।